दुनिया के कई देशों में मंदी का साया पसर चुका है। रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा यह किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब मंदी कई देशों को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि मंदी आकर लौट भी जाएगी, लेकिन महंगाई से लोग लंबे समय तक परेशान है। जर्मन सेंट्रल बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है, यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी मंदी की चपेट में आएगी। यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मन इकॉनमी मंदी की चपेट में आने वाली है। ये वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो इस बात का इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी खबर, कमोडिटी मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पहले बात करते हैं सोने चांदी में 56,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, तो 2.5 साल बाद सोना 56,000 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका यूरोप में मंदी के आसार जारी है। इसका असर सोने और चांदी के भाव पर देखने को मिलेगा और ऐसे में सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या रहने वाला है आगे 2023 में सोने और चांदी का भाव, क्योंकि IMF ने ये आशंका जाहिर की है कि अमेरिका जैसे देशों के जो आर्थिक हालात है वो और भी कमजोर हो सकते हैं। इसका असर सोने और चांदी के भाव पर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, आपको याद होगा जब भी आर्थिक मंदी आती है तो सोने और चांदी की खरीदारी फटाफट से बढ़ जाती है। इक्विटी मार्केट से लोग अपना पैसा निकाल देते हैं, इन्वेस्टर अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल कर सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट यानी कि सोने और चांदी में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको याद होगा 2008 में भी जब मंदी आई थी तब सोने ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था। तो वही दूसरी ओर इंटरेस्ट रेट जो है अभी पीक पर है, आगे भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। 2008 की जो मंदी थी उसमें भी सोना जो है हीरो बना था, सोने ने 30% तक का रिटर्न दिया था लोगों को। तो लोगों को इस बार भी आशंका है कि मंदी है तो ऐसे में वही चीजें वापस रिपीट हो सकती है, तो ऐसे में लोग अपना पैसा जो है सोने और चांदी के मार्केट में लगा रहे हैं। और ये सारे फैक्टर के साथ में कोरोना वायरस का असर भी जो है अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका और चीन में इससे बुरी हालत है, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं सोने और चांदी के भाव पर देखने को मिल रहा है और इसी का असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि MCX के कारोबारियों का कहना है कि चांदी का जो भाव है वो 80,000 से 82,000 रुपए के आसपास जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। सोने का जो भाव है वो 65,000 रुपए के आसपास जा सकता है साल 2023 में। अगर आप भी सोने अथवा चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी सुनहरा मौका है, क्योंकि आगे सोना रॉकेट बनकर दौड़ने वाला है।